मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर को आजकल मुंबई नाम से पुकारा जाता है, लेकिन 5 नवंबर 1949 की शाम जब मैं पैदा हुआ इसी शहर में, तब इस शहर को हिंदी में बम्बई और अंग्रेजी में बॉम्बे कहा जाता था। इस शहर के एक इलाके दादर में एक इलाका है, इसका नाम है दादर। वहाँ एक हिंद माता सिनेमा है, उसकी गली में एक डॉक्टर गद्रे का नर्सिंग होम था जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे फादर आबिद गुलरेज, मेरी मदर नूरजहां बेगम। अब ना तो मैंने अपने फादर को चुना और ना ही अपनी मदर को चुना, क्योंकि मेरे बस में तो ये बात थी ही नहीं। मैं करता तो कैसे करता, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मुझे इस दुनिया में आना है। इस दुनिया में आने के बाद भी तकरीबन 5-1 साल तक मैं इस दुनिया में हूँ, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े हैं, कितने फसादात हैं, कहाँ प्यार है, कहाँ मोहब्बत है, किसे प्यार कहते हैं, किसे मोहब्बत कहते हैं, किसे लड़ाई कहते हैं, किसे नफरत कहते हैं, इसका एहसास तो था ही नहीं। धीरे धीरे आप बढ़ते गए, यानी मैं बढ़ता गया। 5 साल की उम्र से याद है, किसी वजह शायद ये थी कि हमारे फादर को अपनी ज़बान जो हम बोला करते थे उर्दू, उससे प्यार था, क्योंकि वो उर्दू अखबार के एडिटर भी थे, फिल्मों में नगमा निगार भी थे, डायलॉग भी लिखा करते थे, शायर भी थे, और अच्छे खासे फलसफी भी थे, जिनका उबूर अंग्रेज़ी पर भी उतना ही था जितना उर्दू पर था। उन्होंने हमें उर्दू स्कूल में 6 साल की उम्र में दाखिल कराया। 6 साल कम से कम उम्र मानी जाती है पहली जमात में दाखिल होने के लिए। आज भी जब बच्चे तीसरे साल से प्री नर्सरी से शुरू होकर जब तक पहली जमात में पहुंचते हैं 6 साल के हो चुके होते हैं। पहली जमात में दाखिल कराया गया, नहीं मालूम क्यों वो स्कूल बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक उर्दू मीडियम स्कूल था। मेरी प्राइमरी तालीम यानी 7वीं तक उर्दू मीडियम स्कूल में हुई, वो भी म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल में हुई। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा जो तजुर्बा रहा म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ने का, उसके मुताबिक जितनी अच्छी तालीम मुझे म्यूनिसिपल स्कूल में मिली उतनी अच्छी तालीम शायद मुझे आज के जो
बहुत महंगे स्कूल हैं अंग्रेज़ी के, उनमें भी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमें जितने असातज़ा मिले, जितने टीचर्स मिले, वो सब हमें सिलेबस की किताबों के अलावा ज़िंदगी जीने के गुर भी सिखाते रहे। ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा इंसान कैसे बना जाए, ये सारी तालीम उस म्यूनिसिपल स्कूल में मिली। उसके साथ साथ जो निसाबी तालीम है, जो सिलेबस हुआ करता था, उसे भी हमें समझाया गया कि इसे आपको रटना नहीं है, इसे आपको समझना है। और हमारे 90% जो टीचर थे, असातज़ा थे, उन सब ने बड़े खूबसूरती से हमें ये सिखा दिया कि एक बार अगर आप सबक समझ लें तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको चीज़ें याद रहती हैं। उस ज़माने में अगर हम ट्यूशन लेना शुरू कर देते तो स्कूल में बहुत मजाक उड़ता कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये तो खुद समझ ही नहीं सकता कुछ भी, ये तो कूड़ मगज़ है, बेवकूफ़ है, कि स्कूल के बावजूद इसे किसी को जाना पड़ता है या इसको किसी के पास जाना पड़ता है समझने के लिए, या कोई इसके घर जाके इसको समझाता है। तो उन दिनों जो बच्चे ट्यूशन लिया करते थे वो मजाक का निशाना बनते थे, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं लेते हैं या कोचिंग क्लास नहीं जाते हैं, उनको कमतर समझा जाता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ समझदार बच्चों की जगह कूड़मक्त बच्चों की तादाद बढ़ गई है, कि उन्हें अपने आप स्कूल में सिखाए हुए सबक याद नहीं होते या समझ नहीं आते, इसलिए उन्हें किसी और से समझना पड़ता है, और इसीलिए शायद वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका अपना कोई यकीन नहीं होता, उनका अपना कोई विश्वास नहीं होता, उनको हमेशा ज़रूरत होती है किसी के सहारे की, जब कोई कुछ कह देता है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं, जिसने जो कहा उसको आप ना समझने की कोशिश करते हैं, ना उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं कि वो गलत है या सही है, ठीक है यह हमारे लिए ख़तरनाक है, बस अंधाधुंध चल पड़ते हैं। खैर, 7वीं तक मेरी तालीम बम्बई के म्यूनसिपल स्कूलों में हुई। उन दिनों म्यूनसिपल स्कूल में तालीम सिर्फ प्राइमरी तक मिला करती थी, यानी 7वीं जमात तक, उसके बाद आपको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना होता था। जब तक हमने 7वीं पास की तब तक हम लोग किराए के मकान बदलते बदलते खार के इलाके डांडा विलेज में पहुंच चुके थे, और जब मुझे 8वीं में दाखिला लेना था तब हम बम्बई के खार के इलाके में डांडा विलेज में रहा करते थे। वहाँ से सबसे करीब
बांद्रा उर्दू हाई स्कूल था, जो आज आपको बम्बई के एसवी रोड पर जामा मस्जिद है उसके साथ लगी हुई बिल्डिंग नज़र आएगी, जहाँ बांद्रा उर्दू हाई स्कूल लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जिस साल की मैं बात कर रहा हूँ, आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं यानी चार साल जो हमने वहाँ गुजारे 1964 से 1968 तक, उन दिनों स्कूल की ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी और हमारे स्कूल के कमरे मस्जिद के कंपाउंड में हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा स्कूल सुबह में जन गण मन, मतलब जो इकबाल की दुआ है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसके बाद जन गण मन से शुरू हुआ करता था। और जब स्कूल ख़त्म होता था तब बाकायदा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता था। इसलिए मुझे अक्सर हैरत होती है और बहुत ज़बरदस्त हैरत होती है जब वंदे मातरम पर खामखा की बहस उठ खड़ी होती है। हम तो मस्जिद के कंपाउंड में थे और हमारा दिन ख़त्म होता था उस गीत से, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए मुझे ये सारे एतराज़ात जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब मकसद से जुड़े हुए नज़र आते हैं। खैर वो मेरा मजमून नहीं है, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहूँगा। और जब तक हमने 11वीं पास की, क्योंकि हमारा जब कॉलेज हमारी जो पढ़ाई का ज़माना था उसमें 11+4 वाला सिस्टम था, 10+2+3 वाला नहीं था। तो 11वीं हमारे लिए स्कूल का ख़त्म होना होता था और उसके बाद चार साल कॉलेज के होते थे। मुझे याद है कि मेरे दोस्तों में, हालांकि मैं उर्दू मीडियम में पढ़ता रहा जहाँ पूरी तरह से 100% मुस्लिम बच्चे ही हुआ करते थे, बट मेरे जो ख़ास ख़ास दोस्त थे जो आज भी हैं उनमें मुसलमान बहुत कम थे। एक अनवर, एक सिराज जो पांचवी जमात से मेरे दोस्त रहे, आठवीं जमात से मेरे दोस्त रहे हैं और आज भी हैं। उनके अलावा उस ज़माने के दूसरे दोस्त जो स्कूल में तो नहीं थे लेकिन आसपास साथ रहते थे, चाहे वो सुधीर हो, चाहे वो श्रीनिवास हो, चाहे वो विजय हो, बहुत सारे नाम हैं। और हमें कभी महसूस भी नहीं होता था कि हम एक दूसरे से अलग हैं। मुझे याद है उन्हीं दिनों पाकिस्तान से भी जंग हुई हमारी, चीन के जंग के वक्त, खैर बहुत छोटे थे, 1962 की बात है, तब तो हम शायद पांचवी या छठी जमात में थे। लेकिन जब तक पाकिस्तान से जंग हुई तब तक हम 10वीं 11वीं तक पहुंच चुके थे। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम लोग अगर जंग में ऐसे हालात बन जाएं कि आसपास के लोगों को मदद की ज़रूरत हो तो एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी मदद कर सकें। और ये ग्रुप डांडा में ही था और इसका नाम था खार नागरिक सेवक समाज, खार नागरिक सेवक समाज।
जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, फायर फाइटिंग सिखाई जाती थी, फर्स्ट एड सिखाया जाता था, उसके अलावा अलर्ट रहना सिखाया जाता था कि आसपास कोई गद्दार ना हो, आसपास कोई ऐसा। तो बड़ी हंसी खुशी से माहौल गुजरा। जब कॉलेज पहुंचे, चूंकि मेरे फादर का इंतकाल हो चुका था जब मैं दूसरी जमात में था तब से, और मदर ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था, तो यहाँ फिर इस्माइल यूसुफ कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा जोगेश्वरी का, क्योंकि वहाँ कुछ थोड़ी सी सहूलियात थी, थोड़ा सा फीस में माफ़ी मिलती थी, कुछ अच्छे नंबर हों तो उस पर स्कॉलरशिप भी मिलती थी। तो इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी का ज्वाइन किया। जब कॉलेज ज्वाइन किया तो सडनली पहली बार को एजुकेशन का हमें मौका मिला। इससे पहले हमारे सारे स्कूल बॉयज स्कूल थे। बड़ी शर्म आती है जब शुरू शुरू में पहली बार आप को एड पढ़ाई के किसी जब स्कूल या कॉलेज में पहुंचते हैं तो समझ ही नहीं आता कि भाई बातचीत कैसे की जाए अपोजिट सेक्स से। उन दिनों में देखा करता था कि अच्छी खासी तादाद थी मुसलमानों की इस्माइल यूसुफ कॉलेज में, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, लेकिन दो तीन से ज़्यादा बुरके नज़र नहीं आते थे मुझे कहीं। दो ही भाई थे